काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है बेस्ड ऑन पॉइंटर ऑपरेशंस। इसके समय जस्ट परफॉर्म क्या कराया, पॉइंटर के अंदर किसी वेरिएबल का एड्रेस अन करके मैंने खुद से न्यू एड्रेस क्रिएट किया है एज अ 100। अगर आप 100 पॉइंटर वेरिएबल में डायरेक्टली असाइन करो देन इसके समय रेज किया होगा आइदर वार्निंग और कंपाइल टाइम एरर्स। लेकिन इसके समय पहले 100 को मैंने एक टाइप कास्ट और कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस। इस मेमोरी के अंदर कोई तो ऐसा लोकेशन होगा जिस लोकेशन का मेमोरी एड्रेस 100 होगा, क्लियर। देन फाइनली पॉइंटर उस लोकेशन को पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस 100 है। लेकिन रियल केस में चेक करो 100 रिजर्व्ड लोकेशन और अनरिजर्व्ड लोकेशन, अनरिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन। तो इस केस में पॉइंटर एक ऐसा डैंगलिंग पॉइंटर। मीन्स इस केस में इस प्रोग्राम के बिहेवियर की बात करें, जस्ट बिहेवियर में आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। लेकिन कुछ कंपाइलर हो सकता है इसको सपोर्ट करें, कुछ कंपाइलर्स के इसमें रेज क्या हो सकता है सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर और रन टाइम एरर्स। अगर कोई कंपाइलर सपोर्ट कर रहा था उसको कंपाइलर के रिस्पेक्ट में इस प्रोग्राम को आउटपुट किया है, जस्ट मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज दैट लाइक दैट सर मेमोरी प्लेस मीन्स मेमोरी के केस में श्योर हो फर्स्ट बाइट का एड्रेस स्टार्ट कहाँ से होता है फ्रॉम 0। फर्स्ट बाइट का एड्रेस क्या हो 0, नेक्स्ट बाइट का एड्रेस क्या होगा 1, लास्ट बाइट का एड्रेस क्या है ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था अकॉर्डिंग टू डेटा एरिया और डेटा सेगमेंट। डेटा मीन्स रेसिडेंस मेमोरी के अंदर सभी सेगमेंट का साइज क्या था 64 KB। तो 64 KB को जब बाइट्स में कन्वर्ट करोगे तो सभी बाइट का मीन्स टोटल साइज क्या था 65536। इसलिए लास्ट बाइट का एड्रेस क्या है 65535। मीन्स इसमें से कोई मिडिल बाइट होगा और मिडिल प्लेस, इस मिडिल प्लेस के रिस्पेक्ट में बात करें इसका एड्रेस क्या होगा समथिंग 100 और 101 एंड 102 एंड सो ऑन, क्लियर। इस पर्टिकुलर केस के रिस्पेक्ट में इसको एक्सप्लेन करना। जस्ट इस केस में क्रिएट क्या किया है पॉइंटर वेरिएबल ए, ए क्रिएट हुआ इनसाइड स्टैक मेमोरी। देन ए का एड्रेस मैं एज्यूम कर रहा हूँ समथिंग 1000, आप कोई भी एड्रेस एज्यूम कर सकते हो। देन इस केस में मीन्स फाइनली टाइप कास्टिंग का मीन्स टाइप कास्टिंग क्या जस्ट कंपाइल टाइम इन्फॉर्मेशन। मीन लॉजिकली इस केस में कोई भी चेंज नहीं होंगे, बाय डिफॉल्ट कंपाइलर 100 को ट्रीट करेगा एज अ वैल्यू, लेकिन टाइप कास्टिंग के अकॉर्डिंग 100 कंसीडर होगा एज अ मेमोरी एड्रेस। फाइनली ए में क्या साइन हो रहा है 100। अब ए क्या इस केस में इंटीरियर पॉइंटर, ए इस केस में उस लोकेशन को पॉइंट करेगा इसका मेमोरी एड्रेस 100 मीन्स दैट प्लेस। लेकिन ए का टाइप क्या है इंटीरियर पॉइंटर, इसलिए 100 लोकेशन ऑनवर्ड्स कितने बाइट्स पॉइंट करेगा 2 bytes। मीन्स इन 2 bytes के ब्लॉक्स का लॉजिकल नेम क्या हो जाएगा स्टार ए। चेक कर सकते हो उस केस में ए कैसा है, ए इज अ रिजर्व्ड प्लेस। लेकिन स्टार ए कैसा है रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन। इसलिए मैंने आपको बोला था इस केस में सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर आने के चांस, क्योंकि आप अननोन और अनरिजर्व्ड प्लेस को एक्सेस करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट वन वेरिएबल एक्स, स्टैक के अंदर अदर लोकल वेरिएबल क्या क्रिएट हो रहा है इसके इसमें वेरिएबल एक्स प्लस एक्स में क्या सान हो रहा है वैल्यू एस 10। नेक्स्ट वन स्टार ए में क्या सान हो रहा है 1। स्टार ए ऑलरेडी मैं नेम प्रोवाइड कर चुका हूँ जिस प्लेस का लॉजिकल नेम स्टार ए, उस प्लेस को बाइनरी फॉर्म में साइन किया हो जाएगा वैल्यू एस 1, क्लियर। नेक्स्ट वन ए इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एक्स, नेक्स्ट टाइम ए में क्या सान कर दिया एड्रेस ऑफ एक्स। अगर इस प्लेस का एड्रेस 1000 है तो इसके नेक्स्ट प्रीवियस प्लेस का एड्रेस क्या रहा होगा समथिंग 998। देन ए के केस में नेक्स्ट टाइम इस प्लेस पर क्या जाएगा एड्रेस ऑफ एक्स 998। इस प्लेस पर ए के केस में असाइन क्या हो जाएगा 998। देन जैसे इस केस में 998 आएगा देन इमीडिएटली ए किसको पॉइंट करेगा एक्स को, इसलिए एक्स का एक और अल्टरनेटिव नेम क्या हो जाएगा ए, इसे इस पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट करना स्टॉप कर देगा, क्लियर। देन इस केस में इस लोकेशन का कोई नेम है क्या नहीं, लेकिन मैं श्योर हूँ इस केस में जस्ट प्रीवियस ऑपरेशन की वजह से इस प्लेस पर अभी भी अवेलेबल क्या वैल्यू एस 1, लेकिन वैल्यू 1 अवेलेबल किस प्लेस पर रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड प्लेस। नेक्स्ट वन डिस्प्ले करा है आउटपुट, फर्स्ट वन स्टार ए, स्टार ए का करंट स्टार ए मीन्स एक्स और एक्स का करंट वैल्यू क्या है 10, इसलिए फर्स्ट केस में क्या डिस्प्ले होगा 10, एक्स के प्लेस पर क्या प्रिंट होगा ऑल्सो 10। लेकिन लास्ट केस में श्योर था 100 प्लेस पर अभी भी कहीं ना कहीं अवेलेबल क्या होना चाहिए प्रीवियस इनिशियलाइज्ड वैल्यू 1, लेकिन इसको एक्सेस करना है तो एक्सेस करने के लिए इसका कोई पॉइंटर है क्या नहीं, लेकिन आप श्योर थे मैनुअली एड्रेस असाइन किया था 100, तो इस केस में श्योर हो 100 प्लेस पर अभी भी अवेलेबल क्या है वैल्यू एज 1, इस वैल्यू को एक्सेस करना देन मैनुअली मैंने 100 राइट किया, लेकिन बाय डिफॉल्ट 100 के साथ डायरेक्टली स्टार अप्लाई करना पॉसिबल नहीं, रीजन बाय डिफॉल्ट 100 कंसीडर होगा एज अ वैल्यू और वैल्यू के साथ डायरेक्टली एसटेक अप्लाई करना पॉसिबल नहीं, इसलिए पहले इस 100 को टाइप कास्टिंग के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किसमें कराया एड्रेस में, क्लियर। इस टाइप कास्टिंग की वजह से 100 लॉजिकली क्या कंसीडर होगा एज अ एड्रेस,
इस आफ्टर टाइप कास्ट में 100 के प्लेस पर 100 ही रहेगा, इस प्लेस पर फाइनली क्या रहेगा 100, लेकिन लॉजिकली वे 100 ट्रीट क्या हुआ है एड्रेस, देन इस एड्रेस के लिए जब नेक्स्ट स्टार अप्लाई करोगे देन स्टार क्या देगा वैल्यू ऑफ दैट एड्रेस, इस एड्रेस पर वैल्यू क्या अवेलेबल है 1, क्योंकि इस लोकेशन का अदर लॉजिकल नेम क्या होगा, अगर एड्रेस 100 है तो इसका एक और नेम क्या होगा स्टार 100, और स्टार 100 में अवेलेबल क्या वैल्यू है 1, इसलिए लास्ट केस में क्या सिंपली 1, इसलिए फाइनल आउटपुट क्या है इसका, फाइनल आउटपुट ऑफ दिस कोड इज 10 10 1, और मे बी रन टाइम एरर कॉल्ड एज सेगमेंटेशन फॉल्ट।